आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है मेरा नाम अमर जी है और इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम बाइबल की कहानियों के बारे में बता रहे हैं हम सबसे पहले जो पहली पुस्तक है बाइबल उत्पत्ति में उसमें जो विभिन्न कहानियां हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं कल हमने सृष्टि की चर्चा की किस तरह परमेश्वर जगत को बनाया आज हम आदम और एवा आदम और ईव आदम और हवा के बारे में पहला मनुष्य और पहली स्त्री के बारे में जिक्र करेंगे आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय आठवीं आयत से और उसमें ये लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनका फल खाने में अच्छे थे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया इस वाटिका को सींचने के लिए उसने एक महानदी अदन से निकाली और वहाँ से आगे बहकर चार धाराओं में वो नदी बट गई पहली धारा का नाम पिशौन था वह वही है जो हवीला नाम के सारे देशों को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है और उस देश का सोना चोखा होता है और वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं दूसरी नदी का नाम गेहोन है वह वही है जो कुश के सारे देशों को घेरी हुई है और तीसरी नदी का नाम हिजिकल है ही देखियल है और वह यही है जो अशूर के पूर्व के ओर बहती है वह चौथी नदी का नाम फ़रात है तब यह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक अच्छा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए और यह परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लेकर आया और वह देखे कि, कि उ, उसका क्या क्या नाम रखना है और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही सब नाम ही उसका हो गया अत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनेले पशुओं का नाम रखे परंतु आदम के लिए कोई भी सही ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसका मेल खा सके तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर जिस उसका उसकी जगह पर मांस भर दिया और यह हवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है इसलिए उसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नरमे से निकाली गई है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा वो और एक वो दोनों एक तन हो जाएंगे आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे इसके आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सांप सबसे धूर्त था उसने स्त्री से कहा क्या सच है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम तो इस वाटिका के किसी वृक्ष का कोई फल ना खाना स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा तो सकते हैं पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तू, तू उसको खाना और ना ही उसको छूना अगर तू ऐसा करेगा तो तुम लोग मर जाओगे तब सर्प ने स्त्री का तुम निश्चय ही नहीं मरोगे दूसरे शब्दों में सांप ने कहा परमेश्वर झूठ बोलता है सांप को हम शैतान भी कहते हैं वरन परमेश्वर आप जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और वृद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है तब उसने में से तोड़ खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना दिया तब परमेश्वर यहोवा ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता का शब्द उसको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के पीछे के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए तब पर यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है तो उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी बारी में सुनकर डर गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ इसलिए छुप गया उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है जिस वृक्ष का फल खाने से तूने मैंने मना किया था क्या तूने ही उसका फल खाया तब आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया तब जो हुआ परमेश्वर ने स्त्री से कहा ये तूने क्या किया स्त्री ने कहा सांप ने मुझे भहका दिया था तब मैंने खाया हम आपको बता रहे हैं कि ये जो रंगमंच है ये जो नाट्यशाला है आदम और ईव की जो कहानी है जो मनुष्य नर और नारी की कहानी है ये भी दुनिया के मध्य से आरंभ हुई ये हम ये जो मनुष्य का इतिहास है इसके बारे में बता रहे हैं और जो इस मनुष्य के इतिहास के द्वारा सारे विश्व का इतिहास इस तरह है सबसे पहले तो देखा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी उसको स्ट्यूअर्ट बनाया स्ट्यूअर्ट समझते हैं स्ट्यूअर्ट है जैसे कि आप जिम्मेवार हैं आप मालिक नहीं हैं मालिक खुद परमेश्वर खुद है एक जगह ऐसा लिखा है भजन संगीता में बाइबल में कि पृथ्वी परमेश्वर की है और सब कुछ उसमें उसका है हम तो करें यहाँ भेजे गए हैं और हर व्यक्ति का जीवन का असाइनमेंट है तो क्योंकि जिस चीज़ को परमेश्वर मना करे उसको कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे शब्दों में बाइबल में ये भी लिखा है कि रोमियों की पुस्तक में कि परमेश्वर ने अपना जो कानून है हर व्यक्ति के अंदर लिखा है उसे आप कहेंगे हिंदी में विवेक अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्शियस और उर्दू में कहेंगे ज़मीर आपके ज़मीर या विवेक आपको बताता है कि क्या सही या गलत है और वही एक तरह का पेड़ पेड़ को रिप्रेजेंट करता है जो अच्छे और बुरे का पेड़ है अगर आप उसका कहना विवेक का नहीं मानेंगे अगर आप परमेश्वर का बहन नहीं मानेंगे तो जो कुछ करेंगे आपको बड़ा मन मनोहर लगेगा शुरू शुरू में लेकिन उसका नतीजा बहुत ख़तरनाक होगा दूसरी बात जो इस, इस कहानी में हमने देखी कि जो आदमी था धूल से बनाया गया हम मिट्टी के हमारे यहाँ भी कहते हैं कि पाँच तत्व से हमको बनाया गया है और हम मिट्टी से बनाएंगे मिट्टी में भी जाएंगे तीसरी चीज जो इस, इस अध्याय में जो बताई गई है इस कहानी में जो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर ने स्त्री को एक पसली जो हृदय के पास है उससे लेकर बनाया कुछ हमारे समाजों में कुछ हमारे विचारधाराओं में औरत पैर की जूती है कुछ विचारधाराओं में औरत हमारे मनुष्य का सिर है मेरे दोस्तों दोनों बातें बाइबल के हिसाब से सही नहीं औरत औरत की कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी सहायक है उसका साथ है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने आदर के योग्य है या ना तो हमें औरत का असम्मान नहीं करना चाहिए या तो हमें औरत का सम्मान करना चाहिए और ना ही औरत को आदमी के ऊपर रूल करना चाहिए बाइबल के अनुसार तीसरी बात जो हम इस आ, कहानी में देखते हैं कि परमेश्वर के कानूनों को ना मानना हमारे जीवन में शाप लाता है परमेश्वर हमारे जीवन में शाप लाना उसका डिजाइन नहीं है परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ हो परमेश्वर हमें हर संकट से बचाना चाहता है परमेश्वर हमें एक ऐसी वाटिका में रखना चाहता है जहाँ हम फले फूलें और आगे बढ़े जहाँ हमारा जीवन सुखद हो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन के परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद क्या आशीष होंगे तो आप पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ें उसमें जो पहले हैं वो आशीषों की लिस्ट है तीसरा जो हमने देखा कि जो स्त्री है वो मनुष्य के हृदय के पास की पसली से बनाई गई है हमारे समाज में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि औरत पैर की जूती है और दूसरी परिभाषा ये है कि औरत औरत जो है वह मनुष्य का सिर है लेकिन बाइबल के अनुसार से दोनों परिभाषाएं ठीक है, नहीं हैं बाइबल के अनुसार से औरत मनुष्य की पार्टनर है कॉम्प्लीमेंट्री है कंधे से कंधा मिलाने के लिए है सहयोग करने के लिए है एक दूसरे के पूरक हैं हम दोनों मिलकर एक परिवार का को आरंभ करते हैं हम एक दूसरे के सहायक हैं जैसे मैं और मेरी पत्नी हम एक दूसरे को सहायक करते हैं तीसरा अगला जो बात है किसी भी औरत को ना तो आप तुच्छ जाने और ना ही औरत मनुष्य ऊपर शासन करे उसका समन्वय होना संभव है क्योंकि बाइबल ही शिक्षा देती है कि नम्रता और प्रेम परिवार की आधारशिला है अगला जो हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना परमेश्वर की ये हुक्मों को ना मानना हमारे जीवन में शाप लाती हैं परमेश्वर का ये डिज़ाइन नहीं है कि हमारे जीवन में शाप आए क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता अगर आप शापों की और आशीष आशीषों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो व्यवस्था बेहद 28 को शुरू से आखिर तक पढ़िए आरंभ में आशीषें हैं और बाद में शाप हैं और अगर आप भारत में देखें तो हमारे जिंदगी देश में बहुत से शाप हैं गरीबी का शाप है बीमारी का शाप है दुख तकलीफ़ का शाप है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं आती क्यों हैं लेकिन एक बात ये भी है कि हम पैसे की पूजा करते हैं मकान की पूजा करते हैं बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं उस परमेश्वर की पूजा नहीं करते उसकी आराधना कर, नहीं करते जिसने हमें बनाया है परमेश्वर मेरे दोस्तों हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में आशा ला सकता है इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया आपकी आशा जो आप देख सकते हैं हर सोमवार सोमवार को रात को साढ़े बजे परमेश्वर आपके जीवन में आप बहुत पूरी अभूतपूर्व से परिवर्तित कर सकता है परमेश्वर हम हाँ आपकी हर परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है अगर आप उस पर विश्वास करें अगर आप अपने पापों की क्षमा मांगें अगर आप उससे अपने संबंध बनाएं क्योंकि यशु मसीह दूसरा आदमी था पहले आदमी को बाग से निकाल दिया गया क्योंकि उसने पाप किया लेकिन दूसरे आदमी ने बाग में री एंट्री कर दी और मनुष्य को हर संकट से हर बीमारी से हर दुख तकलीफ से और मृत्यु के बाद मौत के भय से भी बचाया परमेश्वर हमें प्यार करता है आइए हम सब के लिए प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम तेरे सामने उन सब लोगों को लाते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु मैं अपने को भी तेरे सामने लाता हूँ प्रभु हमें क्षमा कर कि हमने तेरे वचनों के खिलाफ तेरे हुक्मों के खिलाफ तेरे तेरी विचारधारा के खिलाफ पाप किया प्रभु हमने बनाई हुई चीज़ों की इबादत की है बनाई हुई चीज़ों की पूजा की है बजाय की बजाने वाले की प्रभु हम अगर तेरे हुक्म को माने अपने तेरे वचन को जो बाइबल में लिखा को माने तो हमारे जीवन में बहुत आशीष होंगे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमें हर बीमारी हर दुख हर तकलीफ हर संकट से निकाल प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे जीवन हमें पाप हमारे पापों को क्षमा कर हमें उद्धार का रास दिखा हमें नया जीवन दे प्रभु अपने राज्य में प्रवेश कर जिससे प्रभु हम तेरी संगति में तेरे साथ चल सकें और प्रभु हम जीवन में उन्नति कर सकें प्रभु आत्मिक शारीरिक और मानसिक हम ये सब मैं अपने उद्धार करता प्रभु यशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और कबूल कर राम